जहां एक तरफ सरकार पुलिस विभाग को दिशा निर्देश जारी कर आम व्यक्ति की सुरक्षा दिलाने की दिशा निर्देश दे रही है, तो वहीं जनपद की सेवरही पुलिस सरकार के गाइडलाइन से ठीक विपरीत कार्य कर रही है। बताते चले कि विगत कुछ दिन पहले सेवरही पुलिस चंद्र प्रकाश गुप्ता नामक एक व्यक्ति को बेवजह संदेह के आधार पर बाजार से मारते पीटते थाने लाई और थाने पर भी बेरहमी से निर्मम पिटाई कर घायल कर दिया, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पीड़ित चंद्र प्रकाश ने मीडिया टीम को बताया कि सेवरही पुलिस के मार से हम सदमे में है, तो वहीं पुलिस के मार से सर से लगाए शरीर पर तमाम चोटें आई, जिसे अंगुली टूट गया है, साथ ही मस्तिष्क के चोट से पीड़ित चंद्र प्रकाश ने एक कान से कम सुनाई दे रहा है, जिसका इलाज चल रहा है। आगे पीड़ित ने बताया कि पुलिस की गुहार लगाता रहा, लेकिन अपने आगे सेवरही पुलिस एक ना सुनी। इस प्रकरण को सेवरही के लोग गंभीरता से लेते हुए पूर्व विधायक अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में एक बैठक कर दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध में कार्रवाई की मांग की है, तो वही क्षेत्र में निर्दोष व्यक्ति की पिटाई को लेकर सेवरही पुलिस पर अनेकों सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों के दबी जुबान से सुना जा रहा है कि संबंधित विभाग अभी तक दोषियों पर मौन धारण किए हुए हैं। इस संबंध में तम्पूजा पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी से पूछे जाने पर बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। विगत दिनों पूर्व में आपके द्वारा एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल किया गया था, जिसमें आपके साथ मारपीट किया गया था, क्या था पूरा मामला? पूरा मामला ये था कि मैं अपने परिवार के साथ ढोल मेला देखने गया था। ढोल मेला देखने में जब मैं आगे बढ़ रहा था, पीछे से पूरी पुलिस फोर्स मेरे परिवार को ढकेलते हुए मुझे कैप्चर कर ली, और कैप्चर ही नहीं की, मुझे लात जूता घूसा, यहाँ तक तो लाठी डंडा सबसे मारे। मुझे घसीटते हुए इन लोगों ने मेरा हाथ, ये देख मेरा हाथ, उंगली ये तोड़ दिए हैं, ये सीने पे आज की डेट में पट्टा लगा हुआ है, इस सीने का दो हड्डी तोड़ दिया गया, ये ब्रेन है मेरा, पीछे से ब्रेन है मेरा, ये ब्रेन का पूरा मानते हैं फ्रैक्चर है इसमें, ये जो पैर है मेरा, पैर पे मारते हैं पूरा मारते हैं, लाठी डंडे से मारा गया। इसके बाद से उठा के मुझे गाड़ी में फेंक दिया गया, गाड़ी पे जाके मैं लड़ के ज़मीन पे गिरा, और ज़मीन पे गिरने के बाद मैं बेहोश हो गया। उसके बाद से किसी लड़के ने मानते मेरे ऊपर पानी छीटा, तो मैं होश में आया। उस लड़के ने से उठवा के इन लोगों ने मुझे पुलिस की गाड़ी में डाल दिया। इसमें आगे कौन था? आगे थे आपके इंस्पेक्टर साहब संदीप कुमार यादव, रोशन त्रिपाठी, कृष्ण मोहन थे, उसके बाद से एक और थे ओम प्रकाश जी थे, जो चौकी इंचार्ज हैं वो भी थे, लेकिन वो साइड से खड़े थे। वो कह रहे थे फाड़ दो मेरी वर्दी जल्दी, तुमको जेल कर देंगे आज, ऐसे करके मतलब कि बहुत मारे हैं। क्या वजह था कि मतलब इस तरह से आपके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया? मैं इस विद्यालय में शारदा महानी विद्यालय को मैं आज की डेट में मैं बड़े बाबू हूँ, टीचर के पद पे बड़े बाबू दोनों टीचर मतलब यहाँ कार्य करते हैं। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, चंद्र प्रकाश मंटू। इस स्कूल में मानते हमको पढ़ाते हुए 10 साल 11 साल हो गया, 10 साल 11 साल में मैंने कभी भी मानते चौकी के थाने का मुंह नहीं देखा, कभी एक मेरे ऊपर मानते हैं दरखास्त नहीं पढ़ा, और ना ही मैं किसी से मानते झगड़ा करता हूँ, ना किसी से। अपना स्कूल देखता हूँ, उसके मानते अपने विद्यालय मानते हैं जो कार्यक्रम होता है ना, देख के स्कूल के अंदर ही रहता हूँ। लेकिन विगत दिनों मानते उस दिन अखाड़ा झंडा मिला दिन में मैं गया, कुछ सिपाही थे उन्होंने लोगों ने हमको जबरदस्ती ये कह के मानते उठा लिया कि चलो तुमको बहुत दिन से खोज रहे, और हमको वहाँ से बंदूक कुंडा से ही मारा गया, मार के यहाँ से गाड़ी में जब लादा गया, प्राइवेट गाड़ी थी, पुलिस की गाड़ी नहीं थी जिसमें मुझे लादा गया, और वहाँ से रास्ते भर मारते मारते ये कान का मेरा पर्दा हिल गया है, ये फट गया है कान का पर्दा, ये नस टाइट हो गया है। तो इसको लेकर कहीं आप शिकायत किए हैं? सर इसके बाद से हमने यहाँ से मानते दिल्ली को आते हैं, हमने बोला कौन सी, मैं शशि गुप्ता का भाई हूँ, यहाँ तक आपकी गाड़ी मेरे यहाँ खड़ी होती है, मेरे प्रांगण में खड़ी होती है साहब, आप हमको अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी आप नहीं छोड़ रहे हैं। उसके बाद इन लोगों ने यहाँ से मुझे लेके गए थाने में, वहाँ पेड़ पे ले जाके बांध के तब मारे मेरे को, पूरा कपड़ा उतार के नंगा करके मारे। इसको लेकर कहीं आप शिकायत किए हैं उच्च अधिकारियों से? सर अभी तक मानते हैं 3 दिन की मैं बेहोश था, 3 दिन बाद से मानते हैं कल मैं होश में आया। उसके बाद से मुझे ये नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहिए, दोषी पुलिसकर्मियों जो भी हो उनको सजा चाहिए,
ऐसा मानते फिर कोई मानते, हम बच्चों को ये समझाते हैं कि पुलिस वाले अच्छे होते हैं, बच्चों को हम लोग शिक्षा देते हैं कौन सी कानून को मानते हैं पालन करना चाहिए। नहीं नहीं ये तो मानते हैं, बच्चे मेरे पूछ रहे किस कानून का पालन करना चाहिए, जो आपके साथ ये किए उसी कानून का। अगर आपके साथ न्याय नहीं होता है तो कहाँ जाएंगे आप? हाई कोर्ट जाएंगे।